लेट स्टार्ट प्रैक्टिस इट 4.1। इन ट्रायंगल एलएमएन डैश डैश इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल एलएमएन एल्टीट्यूड कौन से एलएक्स एल्टीट्यूड एलएक्स सेगमेंट एलएक्स इज एल्टीट्यूड एंड डैश डैश इज मीडियन, मीडियन या एल वाई सेगमेंट एल वाई इज मीडियन। ये पहला क्वेश्चन था, इजी था, सिर्फ आपको मीडियन और ये पहचानना है। तो एल्टीट्यूड ऑलवेज रिमेंबर दैट परपेंडिकुलर, वेयर वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स इज दैट एल्टीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस एज ओ। आपको एक्यूट एंगल निकालना है, कोई भी ट्रायंगल निकालो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल दैट इज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसके आपको एल्टीट्यूड्स निकालने हैं, सभी एल्टीट्यूड निकालने सेट स्क्वायर का यूज करो। अभी अपने पास सेट स्क्वायर है, पहले एल्टीट्यूड मैंने निकाली, सपोज यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये ले लिया, ये एल्टीट्यूड निकाली, ये ट्रायंगल आई हैव सीन सपोज पी क्यू आर। अब ये पी एस, दूसरी एल्टीट्यूड निकालनी है मुझे, अब ये निकालता हूँ यहाँ से, ये हो गई सपोज आर टी। तीसरी एल्टीट्यूड क्यू में से निकालेंगे, क्यू आर पी क्यू आर एस टी यू, और ये जो है पॉइंट तुम्हारा, इसे आपको ओ बोला है, ऑर्थो सेंटर नाम देने को बोला है, सिंपल है। तो ड्रॉ लीनियर एक्यूट एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर निकाला, ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड निकाले, उसको वो नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट बोला है, ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एस टी वी, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। एस टी वी निकालना है ना, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की जिसका एक एंगल ऑब्टूज है। तो यहां मैंने निकाला, सपोज ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल है, तो ये हो गया कंप्लीट। सपोज यस यस टी और वी, अब एस टी वी ट्रायंगल निकाला, इसके मीडियंस निकालने, आपको मीडियंस निकालते समय अपन मिड पॉइंट लेते। अब ये टी का मिड पॉइंट पहले मैं निकालता हूँ, तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, यहाँ गया मिड पॉइंट, तो ये और ये ज्वाइन कर दिया मैंने, एस ए। अब ये सपोज ये स्वी ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे स्वी का, वी पे रखा मोर देन हाफ, यस पर रखा, अब ये लिया यहाँ से, यहाँ मिड पॉइंट है सपोज, अब ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया,
अब एस टी का निकालेंगे, ये यस पर रखा, ये अब ये एस टी का मिड पॉइंट आएगा तुम्हारा यहाँ पर, और इसका अपोजिट वर्टेक्स है वी, तो ये आ गया वी, ये ज्वाइन हो गए, दैट इज इसको सेंट्रोइड जो है, शो द सेंट्रोइड, ड्रॉ द मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड हम जी से दिखाते हैं, तो ये सेंट्रोइड है। फोर्थ वन क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। आई थिंक आप कोशिश कर सकेंगे, आराम से आएगा आपको, आपको सीधा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालना है, फिर भी देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिमेंट, ये एलिमेंट फिर से निकालता हूँ मैं, एल एम एन। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालते समय इसका जो आपको निकालना है, तो कभी कभी आपको देखो ये अभी ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकाल देते हैं 90 डिग्री, तो पहला एल से निकालेंगे, अब ये ले लिया, ये एल से आ गई, सपोज एल, एल से आ गई। अब इस पर निकालना है आपको, तो ये देखिए ये यहाँ वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स में से निकालेंगे, ये नीचे इधर ही एक्सटेंड करो इसे ही, इसे भी नीचे डाउन में लो। अब तीसरे ये हो गई इस पर, ये हो गई यहाँ, अब इस वर्टेक्स में से जाएगी, तो उसके लिए आपको ये एक्सटेंड करनी पड़ेगी साइड, ये साइड एक्सटेंड किया आपने, अब इसी पे से आपको 90 डिग्री का निकालना है, अब इसे एक्सटेंड करो सीधा, तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ, ये हो गया ओ। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का कॉन्करेंस पॉइंट जो है, ऑर्थो सेंटर जो है, वो ऑलवेज ट्रायंगल के आउट ऑफ ट्रायंगल रहेगा और एक्सटीरियर पार्ट में रहेगा, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड में रहेगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 5, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पेयर ऑफ कॉन्कर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, दैट इज 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोला है, एक्स वाई जेड, अब इसके मीडियंस निकालने हैं आपको, पहले वाई जेड बाइसेक्ट किया, वाई जेड बाइसेक्ट करने, इसका ये सेंटर जो है यहाँ आएगा, तो आपको मीडियंस निकालनी है, तो ये मीडियन हो गई इसकी,
नेक्स्ट, अब ये बाइसेक्ट करो एक्स वाई, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ आएगा, तो ये होगा यहाँ से अब एक्स जेड वाई से करो, एक्सिट अगर बाइसेक्ट किया तो ये यहाँ आता है, इसका मिड पॉइंट यहाँ आता है, ज्वाइन करो उसे, तो ये हो गया जी सेंट्रॉइड, ये जी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। अब नेक्स्ट पूछा है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो दैट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, दे शो दैट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी, तो आपको राइट एंगल, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना है, उसके मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों भी निकालने हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालने के लिए पहले एक बेस लो, सपोज ये बेस है, अभी दोनों में दोनों से एक एक डिस्टेंस ले लिया, जैसे ये डिस्टेंस लिया मैंने दोनों से सेम है, ये इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है। अब ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया सपोज ए बी सी, जिसके आपको एल्टीट्यूड भी निकालने हैं, मीडियंस भी निकालने हैं। पहले एल्टीट्यूड निकालेंगे, अब एल्टीट्यूड निकालने के हमें परपेंडिकुलर निकालना है सिंपली, पहले एल्टीट्यूड निकाली सपोज बी से, दूसरी एल्टीट्यूड निकाली सपोज सी से, अब तीसरी एल्टीट्यूड ए से निकलेगी, ये आई या ऐसा देखो, ए से आ गए। अब ये हो गए एल्टीट्यूड्स, अब आपको परपेंडिकुलर ये मेडियन भी निकालने, तो मेडियन भी निकालेंगे, दैट इज ये हो गया ओ ओ, अब मेडियन निकालेंगे, अब इसका मिड पॉइंट जो है इसी लाइन पे आता है, इन शॉर्ट ये देखो, तो ये आ गया तुम्हारा, इसे ज्वाइन किया ये, अब दूसरा इसका मिड पॉइंट देखो,
ये मिड पॉइंट आ गया आपका, यहाँ आ गया सपोज, ये निकाला, इधर का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, इधर आ गया सपोज, ये भी ज्वाइन किया, यहाँ से तो ये ऊपर का जो पॉइंट है ये तुम्हारा जी आएगा, वो नीचे आएगा, मगर ये एक ही लाइन पे। आपको उन्होंने पूछा है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, आपको ऑब्जर्वेशन आपको पूछा है, तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो सेंटर ओ लाई ऑन द लाइन लाइज ऑन द लाइन विच इज द which is the perpendicular bisector of the base, या नाम लिखो ना कोई, तो बेस का बाइसेक्टर जो है उसी के आती है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ जो है ये इसका आपको 2:5 में ये होता है, जो भी अभी लिखना चाहिए, जो भी सेंट्रॉइड जब होता है तो सेंट्रॉइड के बारे में ध्यान में रखना है कि जो तीनों मीडियन से, ये मीडियन 2:1 इस रेशियो में डिवाइड होते हैं, दैट इज एजी जी पी। तो यहाँ जो दिया हुआ है यही सॉल्व कर दे तो आपको पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी बोला है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यह आपको जो रेशियो रहेगा वो रेशियो हमेशा ध्यान में रखना, ए जी अपॉन जी पी, दैट इज 2। आपको दिया क्या क्या उस पर से देखेंगे, पहले आपको आर जी दिया है 2.5, देन जी सी निकालना है, आर जी और जी सी निकालना है। तो पहले देखो जी सी और सी जी अपॉन आर जी इज इक्वल टू 2/1, दैट इज सी जी आपको दिया है नहीं दिया, देयर फोर सी जी अपॉन आर जी 2.5 दिया है इज इक्वल टू 2/1, देयर फोर सी जी इज इक्वल टू इधर गया 2 × 2.5, दैट इज 5। नेक्स्ट पूछा है बी जी और बी क्यू में, दैट इज बी जी अपॉन बी क्यू क्यू जी बी जी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2:1, देयर फोर बी जी आपको 6 दिया है, 6/BGQ बी क्यू निकालना है आपको इज इक्वल 2:1, देयर फोर ये 2 इधर आ गया तो डिवाइड होगा, 6/2 इज इक्वल टू जी क्यू इज इक्वल टू 3 आएगा। आपको पूछा है बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू, दैट इज 6+3 इज इक्वल टू 9, बी क्यू 9 आएगा। और लास्ट में पूछा है आपको ए पी और ए जी, तो जी पी पूछा है, ए जी अपॉन जी पी इज इक्वल 2:1, इसमें आपको ए पी दिया हुआ है पूरा। हाँ, अब ए पी दिया है तो आपको निकालना है ए जी, तो वो कैसे निकालना है देखो,
अब यहाँ आप सपोज वी हैव कंसीडर ईजी, अगर हमने ईजी इधर गया इधर, देयर फोर ए जी इज इक्वल टू टू जी पी। अब देखो ए जी प्लस जी पी इज इक्वल टू ए पी, देयर फोर टू जी पी प्लस जी पी इज इक्वल टू ए पी। तो ए पी छः, दैट इज थ्री जी पी इज इक्वल टू सिक्स, देयर फोर जी पी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, दैट इज टू। आपको जी पी निकालनी है शायद, और ए जी अगर पूछी होंगी तो ए जी भी निकालनी है। ए जी इज इक्वल टू टू जी पी, दैट इज टू इंटू टू फोर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। रिवाइज करो, बार बार देखो, एनी डाउट है बेशक पूछा करो।